ब्रायन शतक के साथ। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से वार्ड सदस्य प्रत्याशी उम्मीदवार मोहम्मद बसीर ग्राम पंचायत राज कवैया वार्ड नंबर 8 प्रखंड पूर्णिया जिला पूर्णिया पंचायत के योग्य शिक्षित कर्मठ ईमानदार सहनशील और कर्मशील लोकप्रिय एवं समाज सेवा युवा प्रत्याशी मोहम्मद बसीर का चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता छाप क्रम संख्या 2 पर बटन दबाकर विजयी बनाए। मोहम्मद बसीर जी का कहना है कि मैं इसलिए वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा चुनाव लड़ने की प्राथमिकता और उद्देश्य विकास शिक्षा स्वास्थ्य और समाज सेवा होगी। पंचायत स्तर के वार्ड सदस्य के विभिन्न प्रकार के जो भी सरकारी फंड आते हैं उन्हें जनता के विकास के लिए लगाऊंगा। मैं मानवता के आधार पर विकास करूंगा। वही पेंशन की व्यवस्था मवेशी एवं बकरी भवन का व्यवस्था राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था इंदिरा आवास योजना और BPL तथा गली नली के सोलिंग का विकास करवाऊंगा। सभी विकास का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचाऊंगा। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान दूंगा। सिर्फ एक बार मैं पंचायत वासियों से ये अपील करता हूं कि सभी परिवार मुझे जीत का आशीर्वाद दे। वार्ड नंबर 8 के सभी वासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी बधाई। मेरा नाम मोहम्मद बसीर जी, कवैया पंचायत के वर्तमान उप मुखिया है और मुखिया के फिलहाल अभी मुखिया के प्रभार में हूँ जी। सर जी, आपसे जानना चाहेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है जी और फिर से आप लोग फिर से मैदान में हैं जी, तो आपके लिए आपकी इस बार 2021 में अपना वार्ड के लिए क्या क्या आप सोच के रखे हैं? देखिए, वार्ड के लिए पिछले 5 साल से वार्ड में विकास किए हैं, काम किए हैं, फिर इस बार लोगों का आए जनता का सेवा मौका जनता से मांग रहे हैं। जनता सेवा करने के लिए मौका देगा तो फिर आएंगे, सेवा जनता का करेंगे, विकास करेंगे। जितना भी विकास किए हैं पंचायत में कहीं छुपा हुआ नहीं है, पूरे पंचायत जानता है। और इस पंचायत में तो आप उपमुखिया भी रह चुके हैं जी जी, और मुखिया जी आपका कौन था? मेरा मुखिया जी फजलुर रहमान थे। और आपको कार्यभार भी मिला था मुखिया के पद के लिए? जी, कार्यभार संभालने के लिए भी मिला था। कोई तो मुखिया जी के साथ क्या हुआ था जो आप मुखिया का पद संभाले थे? कोई कारणवश उस पर कोई केस था जी, उसमें मुखिया जी सस्पेंड हो गए थे जी। मुखिया जी सस्पेंड हुए तो ऑटोमेटिक मतलब कि उप मुखिया थे तो उप मुखिया का पास प्रभार आया जी जी। 1 साल 1.5 साल मुखिया का प्रभार हम संभाले, चलाए पंचायत को और अच्छी ढंग से चलाए ताकि जनता हम सभी भी आपको चाह रहा है, नाखुश नहीं है जी। तो यहाँ पर आप वार्ड सदस्य के प्रत्याशी के रूप में फिर से आप आ रहे हैं जी, और सदस्य के रूप में फिर आएंगे, जनता चुन के हमको फिर लाएंगे। अगर सर आपको फिर से दोबारा आपके वार्ड के जनता आपको फिर वार्ड सदस्य के रूप में चुन लेते हैं तो आपका प्राथमिकता स्थान क्या रहेगा? जो वार्ड में हम चुन के आते हैं तो जितना भी समस्या बाकी है वार्ड मतलब कि जनता का मतदान मतगणना इसका, तो जो समस्या है उसको दूर करेंगे जी। जो वृद्धा पेंशन छूटा हुआ है उसको पूरा करेंगे, राशन कार्ड नहीं बना है उसको पूरा करेंगे, जिसका आवास नहीं बना है उसको आवास करेंगे, जितना भी समस्या है उसको दूर करेंगे। मतलब कोरोना महाकाल में बहुत सा काम बाकी अधूरा रहा। हाँ, महामारी में बहुत सा काम अधूरा पड़ा हुआ, अधूरा नहीं हो पाया कि लॉकडाउन के चलते जानबे करते हैं कि ब्लॉक। आपसे एक सवाल एक और भी है, आप मुखिया भी रह चुके हैं जी और मुखिया भी रहे जी, तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था फिर किसानों का और यहाँ छात्र छात्राओं के लिए क्या ऐसी व्यवस्था है आपका पंचायत में? देखिए, कैसी व्यवस्था है? मेरा शिक्षा का तो कमी है, शिक्षा का कमी इसलिए है कि मेरा जैसे स्कूल है गांव में मध्य विद्यालय शोभागंज स्कूल, उस स्कूल का अध्यक्ष भी हम ही हूँ, तो उसमें टीचर का कमी है। टीचर बच्चा 500-600 है, टीचर 4-5 है, उसके लिए अभाव है। कई बार ब्लॉक में BO साहब को लिख के भी दिए हैं और बहुत बार बार जाकर रिक्वेस्ट भी किए हैं कि शिक्षा का जरूरत है, शिक्षा यहाँ का कमी है। और किसानों को तो जानबे करते हैं कि लॉकडाउन के चलते बहुत किसान का नुकसान है, बहुत किसान का क्षति हुआ है। क्षतिपूर्ति के लिए भी सरकार से हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक तो उसका कोई सोचना नहीं आया है। और इस पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों के लिए क्या भूमिका रही? पैक्स अध्यक्ष के लिए भूमिका रही अच्छा रहा, इसलिए कि पैक्स अध्यक्ष पूरे पंचायत में ऐलान करके बोल दिया कि किसान जिसको धान देना है गेहूं देना है पैक्स खुला हुआ है, जाके आप दे सकते हैं,
24 घंटा से 48 घंटा तक में आपका पैसा खाता में चले आएगा। बशीर जी, आपका पंचायत में स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लिए ये नहीं है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह जो होता है वो चीज़ मेरा पंचायत में नहीं है। वीडियो साहब से भी, पहले जो वीडियो साहब था उससे भी कई बार बात कर चुके हैं कि यहाँ को हॉस्पिटल का स्वास्थ्य के लिए जरूरत है। ये स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। जैसे वो मतलब बहाली है, कोई लेडीज है, वो हफ्ता में 2 दिन आती है, जगह जगह आंगनबाड़ी केंद्र में बैठती है, जहाँ तक होता है उसका वो अपना दवा दुरुस्त देती है, इलाज करती है। तो अब की बार पंचायती चुनाव में अपना जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अपील है कि फिर हमको वार्ड सदस्य के रूप में दोबारा चुने, हम आएंगे, जनता के लिए सेवा करेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। एक बार परिचय अपना फिर बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बशीर, ग्राम पंचायत राज कवैया, पंचायत के उप मुखिया हूँ, वर्तमान में अभी मुखिया का पद संभाल रहा हूँ। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते